हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपके सामने। लिखा है अल्फा और बीटा जो है रियल नंबर्स हैं, और एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3x3 ऑर्डर का। अब वो जो मैट्रिक्स ए है उसके लिए यहाँ पर ये एक इक्वेशन दे रखी है, साथ ही साथ ये एक और इक्वेशन दे रखी है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा और बीटा से रिलेटेड, वो आपको फाइंड आउट करना है। अब सिंपल है, इस वाले इक्वेशन में बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं और कुछ इस फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो करते हैं ऐसा। तो ये हमारे पास है ए स्क्वायर इक्वल टू 3 ए प्लस अल्फा आई, इसको लेके आते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस अल्फा आई इक्वल टू 3 ए हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर भी स्क्वायर। ए की पावर 4 ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर आई, आई स्क्वायर इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आई स्क्वायर आई ही होता है, माइनस 2 अल्फा ए स्क्वायर। आई नहीं लिखा क्योंकि ए स्क्वायर ऑलरेडी एक मैट्रिक्स है। यहां पर हमारे पास हो गया 9 ए स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए 4 इक्वल टू 9 ए स्क्वायर प्लस 2 अल्फा ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आई। ए फोर इक्वल होगा इन दोनों में से, मैं ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूं तो 9 प्लस 2 अल्फा ब्रैकेट में बचा और ये ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आई। अब क्या करना है, हमने ए फोर का ए फोर रहने देते हैं, 9 प्लस 2 अल्फा, अभी जो ए स्क्वायर दिख रहा है इसकी वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर देते हैं जो कि 3 ए प्लस अल्फा आई है। क्या है, 3a प्लस अल्फा आई। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर आई। अब मैं क्या करता हूं, 9 प्लस 2 अल्फा को पहले 3a से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे a4 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, ये मिलेगा 942 अल्फा मल्टीप्लाई 3a। ये समझ में आ गया होगा। फिर 9 प्लस 2 अल्फा को अल्फा आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा 9 प्लस 2 अल्फा आई और लास्ट में अल्फा स्क्वायर आई है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, 9 प्लस 2 अल्फा ए, इन दोनों में से आई निकाल लेते हैं तो अल्फा 9 प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट में और बाहर क्या है, आई। अब आपको इस इक्वेशन को ना इससे कंपेयर करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। तो ए का कोफिशियंट देखो ये रहा, तो इसका मतलब हो गया 3 9 प्लस 2 अल्फा किसके इक्वल होगा, 27। 3 7 21, सॉल्व करेंगे तो अल्फा माइनस 1 आ गया। अब अल्फा माइनस 1 इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि अल्फा वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। अच्छा, आई का कोफिशियंट यहां पर है बीटा, आई का कोफिशियंट यहां पर आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि जो बीटा है वो किसके इक्वल है, अल्फा 9 प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर। अभी जो माइनस 1 है इन जगह पर पुट करें तो ये हो गया माइनस 1, ये 7, ये शायद माइनस 8 आ रहा है, आप भी एक बार चेक कर लेंगे। तो सॉल्व करने से बीटा की वैल्यू माइनस 8 आ रही है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे आंसर से मैच कर रहा है। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।